अपर्णाज रेसिपीज को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरे किसी भी वीडियो पर फीडबैक देने के लिए नीचे के वीडियोस को स्क्रॉल करें और ऐड पब्लिक कमेंट्स में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स लिखें। नमस्ते दोस्तों, मैं अपर्णा अपर्णाज रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। इसे आप ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में या कभी भी आपका मन करे तब झटपट बनाकर खा सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप बेसन, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हथेलियों में थोड़ा सा रगड़ कर डालें, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने 1/2 छोटे प्याज को बारीक काट कर लिया है। ये साधारण 2 बड़े चम्मच प्याज है। ये ली है बहुत सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, साधारण 1/2 इंच घिसा हुआ अदरक, स्वादानुसार नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम चावल का आटा यूज कर रहे हैं, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हमने 1/2 कप पानी लिया है, इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। ऐसा करके पूरा 1/2 कप पानी हमने इसमें यूज किया है और आप देख सकते हो ये जो घोल है ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बना है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब ब्रेड को काट कर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने ये 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। छुरी से हम इनके सारे किनारे कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इनको बीच में से काट कर ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। ये देखिए, तो 4 ब्रेड के हमने 8 टुकड़े किए हैं। तो चलिए अब पकौड़े तलना स्टार्ट करते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। ये देखिए तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। घोल वाले बाउल में ब्रेड का एक टुकड़ा रखेंगे और इसे बेसन के घोल से अच्छे से कवर करेंगे। अब इसे हाथ से उठाएंगे और तेल में डालेंगे। ऐसे ही हमने ये दूसरा टुकड़ा डाला है। अब इनको हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। पकौड़ा तेल में डालते समय इसे हाथ से ही डालें। चम्मच में उठाकर डालने से ब्रेड के ऊपर बेसन की बहुत मोटी लेयर बनेगी, जिससे पकौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब एक बार इन्हें पलटेंगे। आप देख सकते हो पकौड़े दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये अपने क्विक ब्रेड पकौड़े रेडी है। आप इसे टोमेटो केचप या इमली गुड़ की मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो आप भी ये क्विक टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी जरूर ट्राई करें और आपको ये कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, पर उसके लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।